पर आकर के जो देखा गया है एक बाथरूम में जो इनकी पुत्रवधू थी उसका शव मिला है और वहाँ से रिवॉल्वर हटा दी गई थी पुलिस के आने से पूर्व ही, वो हटा करके कहीं और रख दी गई थी जिसे पुलिस ने बाद में, हालांकि उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने रख दी थी, क्योंकि सबसे पहले तो सबको हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है ताकि ये पता चल सके कि जो फायर हुआ है वो क्या उसमें फॉरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें निकल के आ रही। जानबूझ के हत्या की है, गोली मारी है। अभी 25 तारीख को आई थी, गाड़ी कह रहे थे गाड़ी दो, गाड़ी मांग रहे थे, ये गाड़ी की तो चल रही है 6-7 महीने से, इनकी सास बार बार कहती है कि गाड़ी दो गाड़ी दो, कोई त्योहार होता कपड़े लिपते अटरम सटरम मांगती थी, दिए हमने, अभी हार मांगा दिए, लड़की की शादी में बोले हनुमान जी घर से हार ला तो दिया हमने एक हार उसको, इन्होंने मारा था अभी 15 दिन पहले मारा था, 4 दिन पहले भी मारा था। मेरा ये कहना है कि हिमांशी कश्यप जो मेरे बेटे की वाइफ है, इसकी शादी हमने बिना दहेज के की थी, इवन टू कल तक भी मैं और हीरालाल कश्यप जो हमारा समधी है, हम कल दोनों एक मंच पर महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर थे, मैं चीफ गेस्ट था वो अध्यक्ष थे, इसलिए मैं कहता हूं कि आज ये जरूर है कि मेरी बहू की आज मौत हुई है, उनके परिवार के लोग गमगीन हैं, दुखी भी हैं, मेरे खिलाफ उन्होंने शिकायत भी दी है मेरे परिवार के खिलाफ, लेकिन सच ये है कि अगर कोई एक रेस मात्र भी कोई इल्जाम मेरे ऊपर कभी रहा होता 2.25 सालों में तो कोई ना कोई कंप्लेंट होती, शिकायत होती।